एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, सब ठोक दो। अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। आप सक्षम है जी, ठीक है, सक्षम आज हूँ कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, इतना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं सबके साथ, ये हो रहा है, क्यों भीड़ आ रही है इस वजह से? कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी जो लोग खड़े हैं, ये जो आए हैं इसीलिए आए हैं। सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमराह के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, एसओ से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है नहीं? आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो, धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को।